हलो नीट अने जेड बली एमा यूनिट 16 मेथड एक व्यतीकरण एम आज आप आठमा क्रमनी नोंध छे सेना माटे नी तो के कोईपण प्रकाश तरंग एना मार्ग में पातळी पारदर्शक प्लेट मुकवामां आवे तो शुं बनशे पर आनी माहिती आपणा नोंधनी अंदर मेळवानी छे। आने लगता पण घणा एमसीक्यू आपणे आपणा लिखाणनी अंदर टूंकमां आपेला छे पर पारदर्शक प्लेट मुकवाना એટલે આ નોંધ પણ આપણે બરાબર કરવાની છે। જો એમાં પ્રકાશ તરંગના માર્ગમાં પાતળી પારદર્શક પ્લેટ આ ટૂંકમાં કાચની પ્લેટ જ મૂકી દો ને તો થાય એમ તો ને બે વસ્તુ નવીન જોવા મળે છે। કઈ બે વસ્તુ? તો કે એક તો સલાકાનું સ્થાનાંતર થઈ જાય છે, સલાકાનું સ્થાનાંતર, અને બીજી વસ્તુ એનો પદ તફાવતમાં થોડો ઘણો ફેરફાર થાય છે। तो जो एम पे पद तफावत कही दो, पेली वस्तु पद तफात ना सूत्र आप अगर था एक तो पद तफात ना सूत्र एक्स डी ना छेद में डी पछी आर टू माइनस आर वन पछी डी साइन थीटा डी टेन थीटा बराबर। पद तफात ना सूत्र आ प्रकार आप पद तफात बराबर आवा सूत्र आगे गया। जो आवी परिस्थिति आए अँ मैं शू कर बे उद्गम लीधा आ एस वन नु तरंग एस टू नु तरंग पी पर संपात थी तो पी पर संपात था तो अँ का प्रकाशित सलाहकार रचा है अने का अप्रकाशित सलाहकार बराबर। एट प्रकाशित सलाहकार रचाए तो सहायक व्यतीकरण और अप्रकाशित सलाहकार रचाए तो विनाशक व्यतीकरण बराबर। अँ प्रकाशित अथवा तो अप्रकाशित सलाहकार रचा एट बे किरण मार्ग में तफावत तो से आ मार्ग आप आर वन ले आ मार्ग आप आर टू ले आ मार्ग ना आ मार्ग मोटो है बे वच्चे पद तफावत तो है आम के मैं ग्लास की प्लेट मूकेल नहीं। जो आ परिस्थिति हो तो आ बे मार्ग वच्चे तफावत आ बे तरंगों पद तफावत है आ सूत्र अनुसार आपने मैसे का एक्स डी छेद में डी मूको का आर टू माइनस आर वन मूको का डी साइन थीटा मूको और का डी टेन थीटा मूको। थीटा एटले अँ थी टूंक में आप एक रेखा लेता था अँ थी आम लॉन्ग विभाजक ले अँ खूणो बनते तो खूणो हो बराबर। तो आवी आकृति हो तो पद तफात तमारा आ लेवानो। पण मानी लो कि गमी एक किरणना मार्ग में एक प्लेट मूकी दो, जो अँ टी जाडाईनी एक प्लेट मूकी पारदर्शक तो मार्ग में फेरफार था। जो पेला प्लेट न हो तो किरण झड़पथी निकली जाए अने प्लेट हो आ घट मध्यम तो घट मध्यम में वेग घटे अँ गति धीमी थी जाए आटला विस्तार में अरे मार्ग में फेरफार थे। तो जो बे प्रकाशना किरणों एक बीजा पर कोईपण बिंदु पर संपात थता होने में एक किरण मार्ग में प्लेट मुकवा मा तो बे किरणों वच्चे पद तफावत आटलो लेवानो छे बराबर छे। अँ एन प्लेट एन एटले वक्री भवनांक छे, प्लेटनु जी द्रव्य हो एनो वक्री भवनांक छेद में एन माध्यम एटले जे माध्यम में आ प्रयोग करता मान लो कि अत्यारे हवानुं माध्यम ज होय हवाना माध्यम में बे प्रकाश उद्गम छे एना तरंगो संपात थता हवाना माध्यम में आखे आखो प्रयोग थयो होय तो आ टूंक में हवानो वक्री भवनांक आवे एटले के एक पछी माइनस एक अने इंटू टी बराबर। तो आ बे किरणों वच्चे पद तफात आ नथी लेवानो तो पद तफात क्यों लेशो तो कि एन प्लेट छेद में एन माध्यम माइनस एक इंटू टी अटा जे प्लेट जेनी प्लेट पारदर्शक प्लेट ज लेवानी है जे द्रव्यनी प्लेट हो एनो वक्री भवनांक जे माध्यम में प्रयोग था तो ये माध्यम वक्री भवनांक ने टी एटली प्लेट नी जाडाई। हजी बीजी वस्तु एमा के एमा सलाकानुं स्थानांतर थई जशे, स्थानांतर केटलुं थशे ई मेळवानुं सूत्र छे ए तमारे याद राखवानुं छे। मानी लो चालो अहींया आ प्रथम प्रकाशित सलाहकार रचाणी आ जगह पर प्लेट नहीं त्यारे प्लेट मूकू ने तो एनु स्थानांतर थोड़ी घनी आम ऊपर वही जाए। आ प्रथम प्रकाशित अँ रचाई पेला अँ रचाती थी जो अँ एटले कई जगह आ जगह पर बराबर। आ लाइन अँ आम दौरी नाखूँ
तो પહેલા અહીંયા રચાય પ્લેટ નહોતી ને ત્યારે આ જગ્યા ઉપર રચાતી હતી પ્લેટ મૂકી દઉં ને તો આ જગ્યા ઉપર રચાઈશ તો એનો મતલબ એમ કે એનું જે સ્થાનાંતર થશે બરાબર આ સ્થાનાંતરથી જે જગ્યાએ પ્લેટ ન હોય તો જે જગ્યાએ ટૂંકમાં પ્રથમ પ્રકાશ સલાહકાર છે તો એ પ્લેટ મૂકો તો એ જગ્યા ઉપર નહીં રચાય થોડી ઘણું એનું સ્થાનાંતર થઈ જાય છે એ સ્થાનાંતર મેળવવાનું સૂત્ર શું છે તો કે કેપિટલ ડી છેદમાં સ્મોલ ડી પછી એન માઇનસ વન અને ટી બરાબર આ જે એન લખ્યું છે ને જે દ્રવ્યની પ્લેટ હોય એ પ્લેટનો વક્રી ભવનાંક છે માધ્યમનો નથી કેપિટલ ડી એટલે ઉદગમથી પડદા સુધીનું અંતર સ્મોલ ડી એટલે બે ઉદગમ વચ્ચેનું અંતર એન એટલે પ્લેટનો વક્રી ભવનાંક અને ટી એટલે પ્લેટની જાડાઈ બરાબર છે આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દે જેટલું મળે એટલું સલાકાનું સ્થાનાંતર થતું હોય એટલે આઠમા ક્રમની જે નોંધ આપણી પાસે છે એની અંદર બે વસ્તુ તમારે મહત્વની ગણવાની છે બે વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે એક તો પદ તફાતમાં ફેરફાર થાય પદ તફાત મેળવતા આપણને આવડવું જોઈએ અને બીજું સલાકાનું જે સ્થાનાંતર થાય એ સલાકાનું સ્થાનાંતર મેળવતા આવડવું જોઈએ હાલો આઠમા ક્રમની નોંધ અહીંયા પૂરી કરું છું.